हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट द क्वेश्चन से इज विच अमंग द फॉलोइंग इज इन करेक्ट फॉर एनजीओ फॉर्म तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग एन जी तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन में हमें दिया हुआ है दे प्रोवाइड अस विथ फूड पोडर फ्यूल एंड मेडिसिन तो बच्चों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जो प्लांट्स हैं जो एनजी ओस हैं वो आपको फ्रू फूड प्रोवाइड करते हैं कैसे क्योंकि वो प्रोवाइड करते हैं आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड अदर क्रॉप्स तो ये जो है वो सही है फोडर की बात करें बच्चों तो जो कैटल्स uh, का चारा होता है या फोडर होता है वो भी आपको किससे मिल रहा है वो आपको एनजियपम की हेल्प से मिल रहा है तो ये भी सही हो गया फ्यूल की बात करें तो इनके वुड को हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं तो फ्यूल भी प्रोवाइड कर रहे हैं एक तरीके से तो ये भी सही स्टेटमेंट है मेडिसिन की बात करें तो बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं आपके एनजीओस्पम प्लांट्स में तो ये हमें चारों चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो सही है अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी की ऑप्शन नंबर बी है दे आर द लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट तो बच्चों बिल्कुल सही बात है जो एनजियोस्पम है वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है प्लांट्स का और ये बहुत अलग अलग हैबिटेट में आपको देखने को मिलेंगे दे कैन भी एक्वेटिक पानी में भी आपको देखने को मिलेंगे एनजियोस्पम जैसे कि लोटस की बात करें लोटस भी एक एनजियोस्पम है और अगर हम बात करें कैक्टस की तो कैक्टस आपको डिजर्ट में देखने को मिलेगा तो वो भी एक एनजीओ स्पॉम है ओके तो ये जो है स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में जो है प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं वो कैसे हैं वो एनजीओस्पॉर्म है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दे हैव नेकेड ओ तो बच्चों ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग सही है ये रिगार्डिंग फिमिनोसपमोस्पॉम कि जिम्नोस्फॉर्म्स में आपको जो ओव्यूल होते हैं वो कैसे देखने को मिलते हैं नेकेड देखने को मिलते हैं क्योंकि इनमें जो है सीड कोट नहीं प्रेजेंट होता है सीड कोट प्रेजेंट नहीं होता एबसेंट होता है तो ये जो है ये स्टेटमेंट आपके एनजियोस्फर्म के रिगार्डिंग में बिल्कुल गलत है ये किसके लिए सही है जिम्नोस्पर्म के लिए सही है दे आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स तो बच्चों बिल्कुल सही है जो एनजियोस्फॉर्म्स हैं उनमें आपको फ्लावर देखने को मिलते हैं विच इज योर रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है जो प्लांट की तो करेक्ट आंसर क्या है आपका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है क्योंकि हमसे यहाँ इनकरेक्ट रिगार्डिंग एन पूछा गया था तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाकी सारे ऑप्शन जो है वो सही है रिगार्डिंग एन तो होप बच्चों आप लोगों को ये सल्यूशन समझ में आया होगा थैंक यू ऑल द बेस्ट